एक मनकपुर नाम का गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वो बहुत मेहनत करता था। रामू के घर में रामू और उसकी पत्नी ही केवल रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। कई बार तो उन्हें बिना रात को खाना खाए ही सोना पड़ता था, क्योंकि उनके पास दो वक्त के खाने के पैसे ही नहीं हुआ करते थे। एक बार की बात है, रामू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक से उसका कुदाल एक पत्थर जैसी धातु से टकराया और बहुत जोर से आवाज आई। रामू बहुत जोर से चौंक उठा। जैसे ही आवाज आई तो उसने आसपास खोजना शुरू कर दिया। खोजने के बाद वो क्या देखता है, एक बहुत बड़ा घड़ा जमीन में दबा हुआ निकला। रामू ने सोचा कि इस घड़े का मैं क्या करूँगा। ये सोचकर उसे सेब के पेड़ के नीचे ही रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो चुका था। रामू काम करके बहुत ज्यादा थक चुका था। वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाना खाने आ गया। पर जैसे ही वो खाना खाने बैठता है, रामू क्या देखता है, वो पूरा घड़ा सेब से भरा हुआ था। तभी रामू सोचने लगा, अरे भाई, इस घड़े में इतने सेब किसने भर दिए। चलो छोड़ो, मुझे क्या, इतने अच्छे सेब, एक सेब तो मैं खा ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर रामू फटाफट से एक सेब खाने लगा। जैसे ही रामू सेब खा रहा था, तभी अचानक से एक सेब घड़े में गिर गया और देखते ही देखते घड़ा फिर से काफी सारे सेबों से भर गया। रामू बुरी तरीके से चौंक चुका था और समझ गया था कि ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे सुनती हो, ये घड़ा कोई आम घड़ा नहीं। आज जब मैं खेती करने खेत में गया था, तभी ये घड़ा अचानक से उस जमीन से निकला। मैंने खोद कर इस घड़े को सेब के पेड़ के नीचे रख दिया और थोड़ी देर में ये घड़ा सेबों से भर गया। मैंने जैसे ही एक सेब खाया तो फिर से ये घड़ा सेब से भर गया। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी। तभी रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल देता है और थोड़ी देर में पूरा घड़ा चावल से भर जाता है। उसकी पत्नी आश्चर्य से उसे देखने लगती है और कहती है, अरे हाँ स्वामी, आप तो सही कह रही थी, ये घड़ा कोई आम घड़ा नहीं है, ये तो जादुई घड़ा है। ये जादुई घड़ा रखेंगे तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। मुझे तो लगता है अब हमें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, भगवान ने हमारी सुन ली है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और रात का खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही रामू उसमें एक सब्जी डालता है और एक सब्जी डालने के बाद वो घड़ा पूरी अलग अलग सब्जियों से भर जाता है। इस प्रकार रामू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाने लगता है और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा बंगला बना लेता है। गांव के सभी लोग रामू के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुमने उस रामू के बारे में सुना है, कहां बेचारे के पास में दो वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते थे और आज देखो गांव में सबसे बड़ा बंगला उसी का है, आखिरकार चक्कर क्या है। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने भी देखा है। ऐसा करते हैं, हम चुपके से इस राज का पता लगाते हैं। अभी गांव में दो चोर रहा करते थे और वो चोरी करने में बहुत माहिर थे। दोनों के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखते हैं कि रामू एक सब्जी डालता है उस जादुई घड़ी में, तो बहुत सारी सब्जियां बनकर निकल जाती हैं। दोनों चोर बहुत खुश हो जाते हैं, उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाने लगते हैं। चोर योजना के अनुसार रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़े को चोरी करके अपने घर ले आए। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़े को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डालता है। जैसे ही वो उस घड़े में सोने का सिक्का डालता है, थोड़ी देर में वो घड़ा पूरे सोने से भर जाता है।
ये देखकर दोनों चोरों के मन में लालच आ जाता है और लालच आने के बाद दोनों जादुई घड़े के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। झगड़ने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के हाथ से उस घड़े को खींचने लगते हैं। आपस की खींचातानी से वो जादुई घड़ा नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही फूट जाता है। इस तरह से ना तो वो पहले चोर का हो पाता है ना ही दूसरे चोर का। काफी समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर चिड़िया रहती थी। वो जब देखते इधर उधर फुदकती रहती, नाचती रहती। इसे देखकर जंगल में एक हाथी भी रहता था। वो उसको नाचते फुदकते देखकर काफी खुश हो जाता और मन ही मन सोचता, काश ये मेरी दोस्त होती। एक दिन हाथी ने चिड़िया से कहा, हे चिड़िया रानी, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं इतनी छोटी सी, आप इतने बड़े हो, हम दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम एक दूसरे के साथ रहकर खूब मजे कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल में घुमाऊंगा। जब तुम पर मुसीबत पड़ जाएगी तो तुम्हें बचा लूंगा। इसमें छोटे और बड़े होने की कौन सी बात है भला? जब मैं तुम्हें ऐसे नाचते गाते और फुदकते देखता हूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो आज से मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया मान गई और दोनों दोस्त बन गए। वो रोज मिलते, गपशप लगाते, चिड़िया हाथी के सामने नाच कर दिखाती और हाथी को काफी अच्छा लगता। पर इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जो रोज चिड़िया को देखती और सोचती, काश ये चिड़िया मुझे खाने को मिल जाए, फिर तो बस मजा ही आ जाएगा। इस नन्ही सी चिड़िया का स्वाद कितना अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। वो इसी तरीके से सोचती और रोज उसके मुंह में चिड़िया को देखकर पानी आता रहता। एक दिन जब चिड़िया मजे से कूद रही थी, नाच रही थी, तो अचानक से उसके सामने लोमड़ी आ गई। उसने झट से उसे पकड़ लिया। ही 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 ही, आज तो चिड़िया रानी मेरे पंजे में फंस गई तू। अब तो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। तेरा नरम नरम स्वादिष्ट मांस खाकर मुझे बड़ा मजा आएगा। छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मुझे खा के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। जब चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी तो हाथी ने उसकी आवाज सुनी। अपनी दोस्त की आवाज सुनकर हाथी से रुका नहीं गया और हाथी झट से उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। चिड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाथी जैसे ही लोमड़ी के सामने जाता है, लोमड़ी की हवा फेल हो जाती है और लोमड़ी हाथी को देखते ही वहां से डरकर भाग जाती है और इसी बीच उसके हाथ से चिड़िया भी निकल जाती है। इस तरह हाथी ने चिड़िया की जान बचाई और अपनी दोस्ती को और भी पक्का कर लिया और हाथी और चिड़िया दोनों खुशी खुशी फिर से रहने लगे। पर एक दिन की बात है, हाथी जंगल में कुछ खाना खा रहा था, तभी उसकी सूंड में कोई कांटे जैसी चीज फंस गई। हाथी उससे बुरी तरह तड़प उठा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये क्या हुआ, ये मेरी सूंड में क्या चुभ रहा है? मैं मरा जा रहा हूँ दर्द से, मैं मरा जा रहा हूँ दर्द से, अब मैं क्या करूँ, कोई बचाओ मुझे। ऐसा करते हुए हाथी काफी देर से चिल्ला रहा था। वो काफी कोशिशें कर चुका था, सूंड को इधर से उधर मारता, पर जो कांटा था वो उसकी सूंड से निकल नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसे भयंकर दर्द हो रहा था। ये देखकर चिड़िया से रहा नहीं गया। चिड़िया हाथी राजा के पास में आई, बोली, अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, बस तुम हिलना बंद करो। अगर तुम यूं ही हिलते रहे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। चिड़िया रानी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कोई कांटा मेरी सूंड में चुभ गया है, जो निकल नहीं पा रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ।
हाथी राजा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तो इतनी छोटी सी हूँ कि तुम्हारी सूंड के अंदर घुस के वो काटा निकाल सकती हूँ। बस तुम हिलना बंद कर दो और फिर मैं तुम्हारा सारा दर्द खत्म कर दूंगी। ठीक है चिड़िया रानी, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम हिलूं। और जैसे ही हाथी हिलना कम करता है, वैसे ही चिड़िया हाथी के सूंड के पास जाती है और उसमें फंसा हुआ कांटा बाहर निकाल देती है। कांटा बाहर निकलते ही हाथी को काफी आराम मिलता है और हाथी को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। दोस्त, आज तुमने तो बचा लिया, नहीं तो ये दर्द मेरी जान ही ले लेता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छोटा सा दोस्त भी मेरी जान बचा सकता है। और इस प्रकार से चिड़िया भी हाथी के काम आ जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अच्छा दोस्त वही होता है जो समय पर काम आता है। छोटा और बड़ा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। अपनी दोस्ती को अच्छी और सच्ची रखें।